नंदन सहसार्जुन निकंदन ज्ञानशील सुधाकरं मृगवंश चंदन जगत वंदन शौर्य तेज दिवाकरं शोभित जटा अद्भुत चटा गल सूत्र माला सुंदरं शिव परशु कर भुज चाप शर मद मोह माया तामहरं जय परशुरा जय रेणुका नंदन सहसार्जुन निकंदन भृगुवरं जमदग्नि सुत वर बोधि नीलग्रीवं शशाङ्कां नागयज्ञोपवेदितम् व्याघ्रतनुमोत्तरीयं च वरेण्यमभयप्रदम् कमण्डलमक्षसूत्रानाद्धारिणं शूलपादिनम् ज्वलन्तं पिङ्गलजटाशिखामद्योतधारिणम् विषस्कन्धसमालोढं गुमालेहार्धधारिणम् अमृतेनामृतं शान्तं दिव्यभोगसमन्वितं दिग्देवतासमायुक्तं सुरासुरनमस्कृतं नित्यं शाश्वतं शुद्धं ध्रुवमक्षणमव्ययं सर्वोऽपि नमीशानं रुद्रं मे विश्वरूपिणम् एवं ध्यात्वा द्विजः सम्यक् कृतो यजनमारभेत् अथातो रुद्रस्नानार्चनाभिषेक क्षमा करें देव किंतु यह मेरे पितृ पितामह मेरे लिए संभव मूर्ख कन्या तुझे यह ज्ञात नहीं तू इस उपहार का अपमान कर स्वयं महाराज का अपमान कर रही है जिसके लिए तुझे राज दंड दिया जा क्षमा करें देव मेरा ऐसा कोई आशय नहीं किंतु यह मूल्य स्वीकार करना मेरे लिए संभव तो स्वीकार महाराज तो प्रत्येक वर्ष कुछ स्वामियों को उनके कुलों से अधिक राशि देते हैं देखो कन्या इस प्रकार का व्यवहार तुम जैसे वीर पुत्री के लिए शोभनीय नहीं है इसे मत सुलभ स्वीकार करो और राज से राष्ट्रीय संरक्षण के अधिकारी बन क्या राष्ट्रीय संरक्षण के अधिकारी सारी प्रजा नहीं है बंधेवर महाराज को भूमि देने में मेरा तो कोई विरोध न था वरना है किंतु इस भूमि का मूल्य मैं नहीं स्वीकार क्षमा करेंगे आज्ञा कुमारी के सौंदर्य पर दृष्टिपात करने वाले दृष्ट कौन हो तुम क्षमा करना देव मैं समझी हम क्या उत्सव की संचालिका पूरी रही होना और सम्मान की अधिकारी क्यों आपको कल का स्वप्न सता रहा है आज क्या मेरी इस अवस्था में भी आप मुझे चैन से न रहने देंगे
क्षमा करना दीदी, मेरा यह आशय नहीं, मैं तो तुम्हारे सर का भक्त बन गया। हाँ, मेरी उम्र सपने का या मेरी विडम्बना मानव हृदय कितना हृदय होता है। क्षमा करो परिचित, जाओ। हर भगत का राजकुमार तुम्हारे अनुग्रह का प्रार्थी, मेरे हृदय की भावनाएं और उलझन में रहना नहीं चाहते। क्षमा करे राजकुमार, किंतु आप भूपति और मैं भूमि पर परिश्रम करती हूँ। आज मेरी सेन की भूमि पर मेरा ताज, मैं तुमसे विकल हूँ, मेरा आप हास न कीजिए। इतनी सी बात, मैं कौशल का आज से तुम्हारी भूमि तुमको वापस दिलाऊंगा। नहीं, कौशल का राष्ट्रीय नियम, मैं उसे भंग करना नहीं चाहे मुझे कितना ही दुख हो। जानती क्या हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ तुम्हारा रहस्य क्या है। यह रहस्य मेरा नहीं है, यह रहस्य मानव हृदय का। अगर मानव हृदय नियमों के बाद में हो तो आज एक राजकुमार एक कृष्ण बालिका का अपमान कर लेना। मधुलिका की स्थिति दयनीय होती है। उधर मगध में राजकुमार अरुण को राजद्रोह के आरोप में मगध से निर्वासित कर दिया गया। क्या
किसी अन्य के प्रेम का बलिदान देने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। जवाब दो मधु, मधु चलती हूँ मधु। इस हृदय इस स्वाभिमान ने तुम्हारे हृदय को पाषाण कर दिया है मधु। वाला है। एक बार भी तुम्हारे पिता ने तुमसे नहीं पूछा इसी मधुप के नीचे राजकुमार अरुण ने तुमसे क्या कहा था? तुम्हारा अधिकार स्वयं पर है, किसी अन्य के प्रेम का बलिदान देने का तुम्हें क्या अधिकार है? क्या प्राप्त हुआ तुम्हें इससे? ये टूटा हुआ छाजन प्राप्त हुआ? बोलो मधु, क्या ये टूटा हुआ छाजन प्राप्त हुआ तुम्हें इस स्वाभिमान से? क्या एक बार भी तुम्हें उसकी स्मृति नहीं आई? बताओ मधु, बोलो मधु। मधु मैं तुमसे कहती हूँ, तुम फिर उस मगध के राजकुमार का क्या? मधु क्या उसका प्रेम भी तुम्हारे स्वाभिमान के आड़े आ रहा था? तुम्हारा अधिकार स्वयं पर है, किसी अन्य के प्रेम का बलिदान देने का तुम्हें क्या अधिकार है? बोलो मधु, मधु किसी अन्य के प्रेम का बलिदान देने का तुम्हें क्या अधिकार है? किसी अन्य के प्रेम का बलिदान देने का तुम्हें क्या अधिकार है? किसी अन्य के प्रेम का बलिदान देने का तुम्हें क्या अधिकार है? किसी अन्य के प्रेम का क्या? Sarado na mero amo amo malu nai vane nai vamasai.
अपमान सहने चाहिए। सेनापति की जय हो। दूर में कितने सैनिक? 200 सेनापति। अरे तू बिना किसी
इतने आदमी थे। राज्य की सुरक्षा मेरा उत्तराधिकार और इसे निर्धारित करना हमारा एकमात्र धर्म। तुम शीघ्र ही 100 सैनिकों को लेकर दक्षिण के दुर्ग की ओर चलो। सैनिकों, क्या तुम मातृभूमि की रक्षा करने के लिए तैयार हो? हाँ। क्या तुम रणभूमि में वीरता दिखाने के लिए तैयार हो? हाँ। क्या तुम प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हो? हाँ। 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 दुनिया हम संपूर्ण कृषि भूमि तक तुम्हें दे सकते हैं। मांगो एक पुरस्कार में क्या चाहिए? मैं मांग क्या वो आप दे सकेंगे? अवश्य। ऐसा क्या है जो एक राजा तुम्हें ना दे सकते? तो फिर मुझे प्रेम द्रोह के बदले पुरस्कार में मृत्यु दंड दीजिए।
Thank you.